जय श्री राम दोस्तों, फाइनली मेरा ब्लॉग आ चुका है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मेरा ब्लॉग ना बहुत लेट आ रहा है, इस सब के लिए माफी चाहता हूँ। और गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, ये चेक करो गाइस, फ्रेंड लोग आए हुए हैं और हम लोग साथ में अभी जा रहे हैं चंद्रपुर माता रानी का दर्शन करने, चंद्रहासिनी माता का। और ये देखो, ये मेरा घर है, अब हम लोग निकलने वाले हैं और इधर हम लोगों का मतलब बाहर जाने वाला रास्ता। चलिए अब चलते हैं, चलो बाइक निकालो यार, बाइक स्टार्ट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं पहले गेट से बाहर निकल लेता हूँ, ये लोग आएंगे पीछे पीछे। और हम लोगों का बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार से ही, ये देख सकते हैं, ये चेक करो गाइस, हम लोगों का गांव है इधर। और कौन फालतू में बोर चला रहा है यार, टंकी से देखो निकल रहा है, चलो इसे बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता यार। और बोलते हैं ना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, देखो ना कौन चालू कर दिया है और भाग गया है, तो पहले इसको बंद कर देते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोगों का बाइक स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए अब बैठ जाते हैं पहले बाइक में, फिर उसके बाद निकलते हैं। चेक करो गाइस हम लोगों का गांव, ये देखो अब निकल पड़े हैं हम गांव से, चलो अब मिलते हैं आगे। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, हम लोग तीनों जने बाइक में जा रहे हैं और आगे में बाइक चला रहा है अखिलेश भाई और पीछे भी सरोज कुमार बैठे हुए हैं और आगे चल रहे हैं हम लोग अभी। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं होटल में, उड़ा तराई के होटल का तो नाम आयुष होटल है। तो गाइस हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए आए हैं, ये चेक करो, फिलहाल तो हम लोग सीट वगैरह ग्रहण कर लेना, भाई लोग ऑर्डर करने के लिए गए हैं और मैं अभी बैठा हुआ हूँ और एक लड़का उधर घूम रहा है, ये देखो अखिलेश आ रहा है। फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए चंद्रपुर। तो ये देखो गाइस नाश्ता आ गया है, ये पड़ा है और ये मिक्स मंगाया हुआ है, बड़ा समोसा। और मेरा अभी तक नहीं आया है, मैं कुछ स्पेशल मंगाया हुआ हूँ, मेरे लिए अभी तक नहीं आया है, भैया लेने के लिए गए हैं, खिलाएंगे फिर खाएंगे यार। और ये देखो दोनों के दोनों मस्ती कर रहे हैं, चलो गाइस। और ये देखो बच्चे लोग भी उधर मस्ती चल रहा है। ओके गाइस फाइनली हम लोग का नाश्ता हो चुका है, अब हम लोग नाश्ता कर लिए हैं तो फिर निकलेंगे इधर और इधर जाएंगे यार। और ये वाला रास्ता ना रायगढ़ ले जाता है और ये वाला रास्ता अभी चंद्रपुर ले जाएगा, यहाँ से लगभग वही 25-30 किलोमीटर है चंद्रपुर। और चलो यार निकलते हैं, और ये देखो मेरा बाइक, अपना बाइक भी रेडी है, स्टार्ट करते हैं, चलिए अब चलते हैं। तो अभी बाइक ड्राइव मैं कर रहा हूँ और हम लोग अब निकल चुके हैं, थोड़ा तरह से भी जस्ट निकल रहे हैं यार, नाश्ता वगैरह कर लिए और बहुत ट्रक वगैरह है आगे में, हाईवे रोड है यार, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, सुरक्षित जाना है, एकदम से आराम से आना है, आराम से जाना है, चलो अब चलते हैं। गाइस अभी हम लोग पेट्रोल फ्यूल अप कराने आए हुए हैं और देखो लड़का पेट्रोल भरा के आ रहा है यार, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो पेट्रोल फ्यूल अप हो चुका, अब चलिए अब निकलते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। कितना का पेट्रोल भरा है भाई? 130 रुपये का पेट्रोल भरा लिए, चलो अब आगे निकलते हैं। ये देखो श्री राम मंदिर, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो गाइस यहाँ का पुल, ये चंदली वाला पुल है और इसके 2 किलोमीटर बाद ही चंद्रपुर आने वाला है। इधर देखो काफी प्यारा व्यू, काफी प्यारा व्यू है यार, देखो इधर देखो और नजारा देखो, काफी अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं, बस 2-3 किलोमीटर बच गया है चंद्रपुर। तो वीडियो में लगे रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और आप सब को प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। तो ये चेक करो गाइस यहाँ चंद्रहासिनी माता का इंटर करने वाला रास्ता, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो यार चलो चलो, बहुत ज्यादा भीड़ है यार। ये देखो कितना प्यारा प्यारा बना हुआ है, इधर चेक करो गाइस। और ये देखो गाइस कान्हा जी कैसे पेड़ पे बैठे हुए हैं, ये चेक करो, इधर पानी वानी तो नहीं है फिलहाल, कान्हा जी बैठे हुए हैं, चलो अब आगे बढ़ेंगे यार। कितना प्यारा लग रहा है देखो हमारे कान्हा, ये चेक करो गाइस, कान्हा जी का यहाँ पे वो बनाया गया है,
मूर्ति। और फिलहाल तो पानी नहीं भरा हुआ है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इधर से चढ़ के आए और अभी ये देखो, ये देखो दुर्गा माता जी का मूर्ति बनाया गया है, काली मैया, और इधर दुर्गा माता जी है। तो यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है उनका, सबका काफी प्यारा स्थल है यार। तो गाइस अभी हम लोग लाइन लगाए हुए हैं और माता जी का दर्शन, तो देखो कितने लोग आए हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है यार, बहुत ही ज्यादा। और अभी लोग भाई लोग पीछे में हैं, हम लोग लाइन लगाए हुए हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यार, चलो करते हैं। तो गाइस आप सबको मैं कुछ चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे ना पैसा चिपकाते हैं सभी लोग, जिनका भाग्य में अच्छा रहता है उनका पैसा चिपकता है यार। चलो मैं भी चिपका के देखता हूँ। तो सर चलो अच्छा रहा, माता रानी खुश है, चलो आप चलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये चंद्रपुर में स्थित महानदी है और इसमें बहुत बड़ी पुल बना गया है। और इसमें ना मतलब पहले प्राचीन काल, मतलब जब एकदम, तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत बड़ी पुल बनी हुई है यहाँ पे चंद्रपुर में, बहुत पैदा। और तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रपुर के ये महानदी के किनारे पे, मतलब हम लोग अभी यहाँ से ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पुल बना हुआ है और कहा जाता है इसमें मतलब दो माँ बाप, मतलब निर्दयी माँ बाप ने अपने बच्चे को यहाँ से फेंक दिए थे, तब ना माँ चंद्रहासिनी प्रकट होके ना यहाँ मतलब उस बच्ची को बचाया था बोल के कहा जाता है। तो माता रानी का ऐसी ही कृपा यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का ये बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है यार, आप लोग चाहो तो यहाँ आ सकते हो, बहुत ही प्यारा है। आप लोग भी आइएगा माता रानी का दर्शन करने के लिए, माँ चंद्रहासिनी का। और ये है माँ चंद्रहासिनी का मंदिर और उसके पीछे हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ का ये भूत बंगला है, ये देखो भूत बंगला, 20 रुपए टिकट लेता है यार, लेकिन बहुत साल हो गया कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है, ये भूत बंगला में उतना मजा नहीं आता है। और जो लोग नए हैं, जो लोग देख चुके हैं, उनको तो मजा नहीं आएगा, साल हर नए साल में अपग्रेड करना चाहिए यार भूत बंगला को, बट अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और चलो इधर आगे बढ़ते हैं। और ये चेक करो गाइस, काफी तगड़ा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग अभी ना इधर मतलब आए हुए हैं और यहाँ से एक राउंड मारेंगे फिर इधर से निकलेंगे। और ये लोग भाई लोग हैं, इधर देखो काफी प्यारा, ये देखो चंद्रपुर का पुल। इस फाइनली गाइस माता रानी का दर्शन हो गया, अब हम लोग बजरंग बली का देखने, बजरंग बली के यहाँ जा रहे हैं। इधर से जाते हैं यार, इधर से जाना है यार, चलो। ये देखो बजरंग बली जी, हम लोग यहाँ पे चढ़ के जाएंगे अभी। तो गाइस ये चेक करो, तो गाइस ये देखो बजरंग बली जी का गदा पहले से दिख रहा है। और पहले तो चलिए चरण स्पर्श करते हैं, तो फाइनली हम लोग का चरण स्पर्श हो गया, अब आपको दिखाता हूँ, देखना बहुत बड़ा है। और ये चेक करो गाइस बजरंग बली, बहुत बड़ा बजरंग बली है ये, उनका गदा और ये चरण स्पर्श, आप लोग भी कर लो यार चरण स्पर्श, जाओ। ये देखो भाई और भी चरण स्पर्श कर लिए। और ये देखो बहुत बड़ी गदा है, इधर से बजरंग बली जी। और ये देखो गाइस यहाँ से बजरंग बली का बहुत बड़ा मूर्ति, मतलब हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, शंकर बाबा के यहाँ। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शंकर बाबा के यहाँ, ये देखो बहुत बड़ी है यार, नंदी बाबा भी है यहाँ पे। और चलो अब अंदर जाएंगे हम लोग भी। और ये देखो यार महादेव जी और पार्वती माता कैसे प्यारे लग रहे हैं, मस्त, तो देखो। और साथ में नंदी महाराज हैं और बब्बर शेर भी हैं, और नीचे में ये गार्डन लगी हुई है इधर। और भाई लोग ये देखो नीचे में। और फिलहाल मैं ब्लॉग ना चढ़ के शूट कर रहा हूँ यार, ये चेक करो गाइस देखो, और इधर गार्डन देखो, फुहारे लगे हुए हैं इधर, बता बता कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है इधर। और गाइस ये छत्तीसगढ़ का ना
बेहतरीन दर्शनीय स्थल है। तो हम लोगों का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से आने वाला है, अगर कुछ गलतियां हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाबा जी सुन रहे हो ना, कृपा बनाए रखिएगा। और हम लोग अभी बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा था इसलिए बैठे हुए हैं। चलो, महाराज जी ने बोला है कि दर्शन करने के बाद ना मंदिर का परिक्रमा कर लेना है, तो चलिए परिक्रमा कर लेते हैं अभी। ये देखो कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है इधर से, ये देखो दिख रहा होगा आप सबको। ये सरोज कहाँ से बने आ रहे हैं? पूरा पत्थर से, अयोध्या मंदिर जैसे एकदम पत्थर टाइप से तो लग रहा है यार, एकदम पत्थर से ही बना है पूरा वैसे ही। ये देखो ना वैसे पूरा, बाकी अभी बहुत प्यारा है एकदम। देखो यार बहुत पत्थर से ही बना हुआ है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलो परिक्रमा करना है यार, यहाँ पे लिखते हैं यार, नहीं लिखना है यार इस मंदिर पे। और ये देखो कितनी प्यारी फूल लगी हुई है इधर। और फिलहाल हम लोगों का हो गया, और ये देखो गाइस कृष्ण भगवान जी कितना प्यारा लग रहा है देखो। और ये देखो बेल आया हो, बापरे भागो यार, दर्शन करने के लिए आए हुए। ये देखो यार पीछे पीछे आ रहा है, भागो 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 भागो। तो गाइस हम लोग का जगन्नाथ जी का दर्शन भी हो गया, यहाँ से हम लोग प्रसाद भी खरीद लिए, वो हम लोग का साथ है भैया। और यह चंद्रपुर का मतलब बाजार है, यहाँ से आप कुछ भी भक्ति जो भी लेना चाहोगे ले सकते हो। और ये देखो काफी बड़ी बड़ी दुकान है यहाँ पे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकान। अभी चश्मा लेने का प्लानिंग चल रहा है, ये देखो यार ये अच्छा लग रहा है, कैसे दिख रहा हूँ भाई लोग। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यार। चलो इसको रख लेते हैं। तो गाइस हम लोग अब फाइनली निकल चुके हैं चंद्रपुर से, और हम लोग जा रहे हैं घर, और काफ़ी देर भी हो चुकी है, अभी शाम के 4 बज चुके हैं यार, और हम लोग इसके बाद निकल रहे हैं। हम लोग अब सीधा घर जाना है, बहुत थकान लग रहा है यार, इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं। अब काफ़ी ड्राइव तो खिलेर भाई कर रहा है, चलो अब चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अब घर जा रहे हैं, पुल पे हम लोग जा रहे हैं। भैया है ये चेक करो गाइस, ये 50 रुपए का ना फ्यूल अप हो चुका है, और फिर से पेट्रोल डला रहे हैं यार, खत्म हो गया था, फिर अब निकलना है, पहले पेमेंट पे कर लेते हैं। चलो यार, चलो गाइस फ्यूल अप भी हो गया, फ्यूल अप भी हो गया, और मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के चल चल छोड़ दे छोड़। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यार, ये चेक करो काफी तगड़ा मौसम है इधर भी, और अब चलते हैं। बाइक वाइक भी चल रहा है, 50 का पेट्रोल डला लिया यार, कितना सस्ता डला है देखो, आते टाइम डाले भी थे पेट्रोल, अब जा रहे हैं। तो घर आ चुका हूँ मैं, और आप सब ऐसे प्यार एंड सपोर्ट बनाए रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।